हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? गुड। चल तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पहले समझते इसको कि ये चैप्टर अपने सिलेबस में क्यों आया। एक व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी क्यों है, है ना? तो मुझे बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है? अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी इंडिया का सिटीजन है तो वो रेसिडेंट होना भी जरूरी है, या फिर वो रेसिडेंट है तो वो इंडिया का सिटीजन है। ऐसे दोनों चीज नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। ओके, तो किसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? क्या सिर्फ रेसिडेंट पर्सन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, या दूसरा कोई भी पर्सन होगा उसकी भी इनकम इंडिया? जैसे डोनाल्ड ट्रंप, वो उधर यूएस में पैसा कमाएगा तो क्या उसको इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कर पाएंगी क्या? या फिर आशीष इंडिया में पैसा कमा रहा है, मैं आपको लेक्चर बेच के पैसा कमाऊंगा, तो क्या वो इनकम यूएस में टैक्स करेंगे क्या? सो ये सवाल उठा। तो इंडिया ने क्या किया कि जो बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का है, जो इंडिया का पर्सन है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला। अब वो तो ठीक है, लेकिन उसका रेसिडेंशियल स्टेटस तो पहचानना पड़ेगा। वो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जाने बिना हम उसको कैसे रेसिडेंट बोलेंगे, राइट? तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहली चीज है कि नेचर ऑफ इनकम क्या होना चाहिए उसका, नेचर ऑफ इनकम। दूसरी चीज है कि वो बंदा पैसे कहां कमा रहा है, द प्लेस वेयर दैट इनकम इज अक्रू, वक्त और जगह, है ना? दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये जगह कौन सी है जहां पे वो इंसान, वो पर्सन, वो आदमी पैसा कमा रहा है, द प्लेस वेयर इट अक्रू और रिसीव्ड। अक्रू होना मतलब क्या? मिलना, रिसीव्ड एक्चुअल मिलना, और अक्रूज मतलब राइट टू रिसीव। तो राइट टू रिसीव कहां हो रहा है उसका, नेचर ऑफ इनकम क्या है, और तीसरा है उसका स्टेटस क्या। अगर ये तीन, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या, अगर ये तीन चीजें पता चल जाए तो हम उसकी टैक्सेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, राइट? तो टैक्सेबिलिटी फिक्स करने के लिए एक पर्सन की टैक्सेबिलिटी मुझे फिक्स करना है, टैक्सेबिलिटी, तो मुझे तीन चीजें देखना जरूरी है। नंबर वन, वो इनकम का नेचर क्या है, इनकम का नेचर, राइट? सेकंड, मैं देखूंगा प्लेस वेयर इट अक्रू और राइज और रिसीव्ड, राइट? और तीसरा मैं देखूंगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर ये तीन चीजें मुझे पता चल जाती है तो मैं वो इनकम की टैक्सेबिलिटी ले सकता हूं, राइट? तो इंडिया में कोई इनकम अगर मुझे टैक्सेबल करना है तो वो पर्सन, वो इनकम कहां पे अक्रू अराइज हुई और रिसीव्ड हुई, और वो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या, ये अगर मुझे पता चल गया तो मैं वो इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करवा सकता हूं, राइट? तो देखो वहां पर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंस में देखो, द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम और इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन, टैक्सेबिलिटी और इंसिडेंस डिपेंड्स अपॉन, नंबर वन नेचर ऑफ इनकम, दूसरा प्लेस वेर इट अक्रूज और इज रिसीव्ड, एंड अ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी। तो असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये तीन चीजों पे मैं, अगर ये तीन चीजें मुझे पता चल जाती है तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल करना है या नहीं। ओके, चलो अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे हमने देखे, देयर आर सेवन कैटेगरीज ऑफ पर्सन, है ना? तो ये सबका रेसिडेंशियल स्टेटस हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही है। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल, इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब माना जाएगा, या वो नॉन रेसिडेंट कब हो जाएगा, या फिर वो दूसरा पर्सन लाइक HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर फर्म, या फिर कंपनी, और एवरी अदर पर्सन। अब एवरी अदर पर्सन में कौन कौन आएगा, AOP, BOI,
एजेपी एंड सो ऑन, तो ये लोग रेसिडेंट है या नहीं है ये निकालना पहले जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर तो टैक्सेबिलिटी डिपेंड है। तो आपको पहले टैक्स लगाना है तो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी है, राइट। तो एक एक करके हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो इनकम फलाने पर्सन के हाथ में टैक्सेबल है या फिर नहीं। वेरी सिंपल चैप्टर, ओके। चलो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इंडिविजुअल और HUF, ये दो इंपॉर्टेंट, बाकी भी है लेकिन वो फटाफट समझ जाएगी फिर आपको, ओके। चलो तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमिंड फॉर प्रीवियस ईयर एंड नॉट फॉर एन असेसमेंट ईयर। तो आपको फलाने ईयर की इनकम टैक्सेबल करनी, राइट। जैसे ये आपका असेसमेंट ईयर है, मान के चलो दिस इज योर असेसमेंट ईयर, राइट। अपन दूसरे पेज पे लेते हैं, ये आपका असेसमेंट ईयर 2018-19। आपको अगर 2018-19 असेसमेंट ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, मतलब कौन से प्रीवियस ईयर का जानना है बताओ, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2017-18, तो आपको इस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना पड़ेगा, करंट प्रीवियस ईयर। तो ये साल में, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में ही इनकम अर्न करते हो, इनकम अर्न इन प्रीवियस, इनकम अर्न शुड बी इन प्रीवियस ईयर, तो जिस साल आप इनकम कमाओगे उस साल का आपको रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, जिस साल आप इनकम कमाओगे उस साल का आपको रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, राइट। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा करंट प्रीवियस ईयर का देखा जाएगा, CPY, करंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसी साल आप क्या कमा रहे हो बेटा, इनकम कमा रहे हो। वेरी सिंपल, ओके। चलो तो देखो वहां पे वही दिया है कि रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमिन्ड फॉर प्रीवियस ईयर, ये बात ध्यान में रखेंगे आप, एंड नॉट फॉर एन असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर क्या आप नहीं देखेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस मे वेरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर, यस हो सकता है कि जैसे मैंने बताया आपको 17-18 ये आपका करंट प्रीवियस ईयर होगा, तो इस साल तो आप रेसिडेंट हो गए, हो सकता है अगले साल आप यूएस में ज्यादा दिन रह गए, तो फिर क्या आप कितने दिन रहेंगे ओपन क्राइटेरिया भी देखेंगे, तो क्या उस साल आप रेसिडेंट बना बोले जाएंगे, नहीं, हो सकता है कि माइट नॉट बी यू आर नॉन रेसिडेंट इन करंट प्रीवियस ईयर, जब आपका 18-19 करंट प्रीवियस ईयर होगा, हो सकता है कहीं और आप ज्यादा दिन रहेंगे इंडिया के अलावा, तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक साल में आप रेसिडेंट हो गए तो हर साल में आप रेसिडेंट रहोगे, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आप ये साल में रेसिडेंट हो, अगले साल में नहीं हो, फिर से अगले साल में रेसिडेंट हो, फिर से अगले साल में नहीं हो, एंड सो ऑन। तो हर साल आपको अलग अलग साल का अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू आर रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट, ओके। चल गुड, देखो तो रेसिडेंशियल स्टेटस मे वैरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर, ओके। चल गुड, फिर एक चार्ट दिया है, वो चार्ट अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, ओके। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वो चार्ट को हम लोग देखेंगे, राइट। चलो देखो सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 6.1 को देखते क्या बोलता है। अब पहले जैसे मैंने बताया आपको, इंडिविजुअल, फर्म, HUF, कंपनी, इन सब का हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब माना जाएगा, राइट। तो आप लिख लो फट से, इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब माना जाएगा, इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब माना जाएगा, ओके। तो देखो कब माना जाएगा, तो मैं आपको पहले समझा दूं, है ना, गवर्नमेंट ने बेसिक कंडीशंस दिए, दो बेसिक कंडीशन। अगर आप, मतलब इंडिविजुअल, जैसे मैं, आप, हम सब लोग कौन है बेटा, इंडिविजुअल, ओके। तो हम लोगों को इंडिया का रेसिडेंट कब माना जाएगा, देखो हम सिटीजन तो है, जैसे मैं इंडिया का सिटीजन हूं, आप भी इंडिया के सिटीजन है,
तो हम लोगों को सिटीजन तो है लेकिन हम रेसिडेंट, जैसे मैंने बोला था कि रेसिडेंशियल स्टेटस आपको अलग से देखना है, तो हम लोगों को रेसिडेंट कब माना जाएगा? तो गवर्नमेंट ने बोला देखो हम आपको दो बेसिक कंडीशन देते हैं, वो दो बेसिक कंडीशन में से आप एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप रेसिडेंट बन जाओ। तो दोनों कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है रेसिडेंट है ही, लेकिन आप एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, सिंगल, एक, लोनली, तन्हा, अकेला, वन, है ना, एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे तो भी आप हमारे लिए रेसिडेंट कहलाओगे। और अगर आप रेसिडेंट हो तो फिर आपने कहीं और भी कमाई गई इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। सर मतलब देखो मैं आपको पढ़ाता हूं, ये इंडिया में कर रहा हूं तो ये इनकम मेरी यहां पे टैक्सेबल है ही, बराबर। अब इसके अलावा मैं मान के चलो यूएस में भी कोई इनकम कमाता हूं तो वो यूएस में कमाई गई इनकम भी मेरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाए अगर मैं रेसिडेंट हूं तो। आप समझ रहे हो? तो रेसिडेंट पर्सन जो है उसकी इंडिया की इनकम तो टैक्सेबल है ही, बट उसने कहीं और भी इनकम कमाई है तो वो इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल कर दी जाएगी। ओके तो देखो ये दो बेसिक कंडीशन जो है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, उनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई करना है तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। ओके तो चलो देखो, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, देखो हर बार प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है ना, इफ ही सेटिस्फाइज वन और बोथ, एक या दोनों ऑफ द बेसिक कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 6(1)। तो सेक्शन 6(1) में दो बेसिक कंडीशन दी गई, वो दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दीजिए सर, आप रेसिडेंट बन जाओगे। ओके तो सिंपल, तो पहली बेसिक कंडीशन देखो कौन सी, बेसिक कंडीशन नंबर वन, ही मस्ट बी इन इंडिया, प्रीवियस ईयर के लिए देखना है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा, देखो ही मस्ट बी इन इंडिया, आप इंडिया में होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, मतलब एग्जैक्ट 182 डेज रहा तो भी रेसिडेंट। तो फट से लिख लो वहां पे, एग्जैक्ट 182 डेज और 182 डेज प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेसिडेंट पर्सन। तो देखो कैसे, जैसे ये आपका करंट प्रीवियस ईयर, जैसा हमने देखा था 17-18 CPY, दिस इज योर करंट प्रीवियस ईयर। ओके तो ये प्रीवियस ईयर में, ये अप्रैल से मार्च, राइट, ये ईयर में आप 182 डेज और मोर अगर आप इंडिया में हो तो आप बन जाओगे इस साल के लिए रेसिडेंट, इस साल के लिए आप रेसिडेंट बन जाओ। तो जो भी इनकम आप इस साल कमाओगे वो इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? यस, सिंपल। देखो ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ओके सेकंड, या फिर दूसरी कंडीशन देखो क्या, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो देखो आप पिछले साल में 60 दिन, लेकिन अभी क्या बोलता है, देखो एंड इसी के साथ दूसरी कंडीशन भी जोड़ दी है, एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। क्या मतलब हुआ इसका, देखो मैं समझाता हूं आपको। एक पर्सन को दूसरे बेसिक कंडीशन के हिसाब से कैसे रेसिडेंट बोला जाएगा, तो ये जो प्रीवियस ईयर है, देखो दिस इज योर करंट प्रीवियस ईयर CPY, दिस इज योर करंट प्रीवियस ईयर, कौन सा देखा था हमने 17-18। तो ये 17-18 में तो आप केवल 60 दिन इंडिया में हो, 60 डेज, राइट, और मोर, 60 डेज और मोर। लेकिन अगर आप इसके पहले के 4 सालों में, देखो ये प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों, ये प्रीवियस ईयर पकड़ के नहीं, इसके पिछले 4 सालों में, दैट इज 1, 2,
थ्री एंड फोर, ओके, मतलब 17-18 हो गए, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, अगर ये चार साल मिला के आप इंडिया में 365 डेज और मोर हो, दोनों कंडीशन, ये प्लस ही, कौन कौन सी दोनों, अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा, या पिछले चार साल मिला के 365 डेज और मोर हो, तो भी हम आपको रेसिडेंट पूल देंगे, राइट तो दो कंडीशन में से एक कोई भी सेटिस्फाई करना, ओके तो पहली समझ गए आपको, पहले में तो करंट प्रीवियस ईयर में ही आप 182 डेज और मोर इंडिया में रहो, या फिर करंट प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन हो, ठीक है चलेगा, लेकिन लेकिन उससे पिछले चार सालों में आप इंडिया में 365 दिन या उससे ज्यादा हो गए, तो भी हम आपको रेसिडेंट बोल देंगे। तो हो सकता है करंट प्रीवियस ईयर में आपको उधर इंडिया के बाहर ज्यादा दिन रहने का काम पड़ गया, तो आप इंडिया के बाहर ज्यादा दिन हो, लेकिन अगर आप पिछले चार सालों में अगर इंडिया में हो, तो भी हम आपको रेसिडेंट बोल देंगे, फिर कितने दिन से ज्यादा, 365 डेज और मोर, वेरी सिंपल, ओके। तो चलो रिकॉल करते अपन, कौन सी दो बेसिक कंडीशन है, पहली आप 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में इंडिया में हो, तो हम आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लेंगे। अगर हां 181 डे तक के इंडिया में रहो आप, जैसा कोई दूसरा दूसरे कंट्री का बंदा आ गया, वो यहां पे 181 डे तक है, 181 डे तक है, तो हम उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे, आओ रहो जाओ, है ना, हमारे यहां आओ रहो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। लेकिन अगर तू 182 डेज रहता है, तो फिर हम आपको रेसिडेंट बोल देंगे। या फिर आप पिछले साल में 60 दिन हो, और उससे पिछले चार सालों में अगर आप 365 डेज से ज्यादा रहे, तो भी हम आपको रेसिडेंट मान लें, ओके। चल तो देखो कुछ क्वेश्चंस करते, तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये कंडीशन कहां से, अच्छा ये तो मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट बनाते रहते हैं ना, तो उन्होंने बनाया ये 182 डेज, कुछ तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा रेसिडेंट बोलने के लिए, ओके। तो चलो देखो कुछ क्वेश्चंस करते हो, देखो समझ में आ जाएंगे आपके। देखो डिटरमिन इन द फॉलोइंग केसेस वेदर द असेसी इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में असेसी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। देखो मिस सानिया कम्स टू इंडिया इन एन एशियन टेनिस टूर्नामेंट ऑन 4th of April, तो 4 अप्रैल को सानिया यहां पे आई। शी स्टेज इन इंडिया अप टू 15th of September, तो इंडिया में कितने दिन, कब तक रही बेटा, 15 सितंबर तक। शी अगेन कम्स बैक टू इंडिया ऑन 14th of January एंड स्टेज इन इंडिया टिल 31st of March। तो बताओ क्या उसे अपन रेसिडेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे, ओके। तो देखो अब ये बड़ा मजेदार केस है, मैं समझाता हूं कैसे। देखो अब एक पर्सन को रेसिडेंट बोलना है, तो 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई करना है, ऐसा देखा हम, पर सर हमें एक भी बता दो, क्या 182 डेज रहना मतलब एक साथ पूरे 182 डेज रहना जरूरी है क्या, है ना, मतलब कंटिन्यूअस स्टे ऑफ 182 डेज रिक्वायर, या फिर आना जाना जाना आना, मतलब मैं इंडिया में आया, इंडिया में कुछ दिन रहा, फिर से चले गया, फिर से कुछ दिन इंडिया में आया साल भर में, फिर से चले गया, फिर से कुछ दिन आया, फिर से चले गया, तो क्या मेरा 182 डेज का कंटिन्यूअस पीरियड होना जरूरी है, या पार्ट पार्ट में भी आप 182 डेज को काउंट करेंगे। द आंसर इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट यूर स्टे शुड बी कंटिन्यूअस, आपका स्टे कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। अगर आप पार्ट पार्ट में भी रह रहे हो और पूरे साल भर में अगर आप इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहे, या फिर 60 डेज प्रीवियस ईयर और उससे पहले 365 दिन से ज्यादा या 365 दिन, तो भी हम आपको रेसिडेंट बोल देंगे। सो द स्टे शुड नॉट बी कंटिन्यूअस, है ना, तो स्टे कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, ये पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, आप जिस दिन इंडिया में आए हो या जिस दिन इंडिया से जाओगे, इंडिया में आओगे या जिस दिन इंडिया से जाओगे, वो दोनों दिन
इंडिया में काउंट किया जाएगा। सो इंडिया में आने वाला दिन, जिस दिन आप इंडिया में आए वो दिन, और जिस दिन आप इंडिया से निकले वो दिन, ये दोनों दिन इंडिया का स्टे माना जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिया में जिस दिन आएंगे और जिस दिन इंडिया से निकलेंगे, ये दोनों दिन इंडिया का, इंडिया में स्टे है आपका, ऐसा माना जाए। ओके चलो, तो विद दिस नॉलेज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो सानिया कब आई, सानिया आई 4th अप्रैल को। यह है आपका प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर में सानिया 4th अप्रैल को इंडिया में आई। दिस इज 4th अप्रैल, राइट, 4th अप्रैल को इंडिया में। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन दिन वो इंडिया में नहीं थी। बराबर बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन दिन इंडिया में वो नहीं थी। 4 को इंडिया में आई, मैंने अभी बताया। बताओ क्या 4 को वो इंडिया में मानेंगे या नहीं मानेंगे? यस, हम लोग उसे इंडिया में मानेंगे। फैंटास्टिक आंसर। ओके, तो 4 को इंडिया में आई। अब कब गई, देखो शी स्टेज इन इंडिया अप टू 15th ऑफ सेप्टेंबर, तो 15 सितंबर तक वो इंडिया में रुकी। गुड, मतलब 15 को गई होगी। अब 15 को जाने वाला दिन इंडिया में मानेंगे या नहीं मानेंगे? फिर सही पहचाने, बिल्कुल इंडिया में ही मानेंगे। आने वाला और जाने वाला दिन हम इंडिया में कंसिडर करेंगे। ओके चलो, फिर आगे, फिर से शी केम बैक ऑन 14th ऑफ जैन, 14 फरवरी को आई, पतंग उड़ाने आई। संक्रांत का दिन होता है। ओके हाँ, 14th ऑफ जैन को आई और 31st मार्च तक रुकी। तो चलो अब बस दिन कैलकुलेट करना है आपको। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आने वाला और जाने वाला दिन आप इंडिया में कंसिडर करो। चलो देखो, तो सबसे पहले देखो अब दिन कैसे कैलकुलेट करना, लोग चालू करते देखो। हाँ चलो, 4th ऑफ अप्रैल, 4 5 6, सर 4 5 6, फिर से 4 5, ऐसे नहीं करते। देखो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं? 30 सर। तो 30 दिन में से वो इंडिया में कितने दिन नहीं थी वो माइनस कर डालो। देखो अप्रैल मंथ, अप्रैल 30 दिन, 30 में से वो कितने दिन इंडिया में नहीं थी? 3 दिन। तो मिल जाएगा आपको इंडिया में कितने दिन थी, है ना सिंपल। चल अप्रैल हो गया, मई, मई में पूरा 131 दिन थी, 31। जून में भी पूरे दिन थी, जुलाई पूरे दिन, अगस्त पूरे दिन, ये पूरे इंडिया का स्टे। ओके सितंबर देखो, अब सितंबर में कितने दिन तक थी वो? सितंबर में 1 से लेके, बताओ कितने दिन तक थी? जाने वाला दिन इंडिया में लेना है, मतलब कितने दिन तक थी? 15। तो ये हो गया पहला स्टे। सेकंड स्टे में देखो अब क्या हुआ, सेकंड स्टे में जनवरी में आई। तो अब भी जैसे कैलकुलेशन क्या, बताओ जनवरी में, चलो बताओ आप कैसे करेंगे। जनवरी कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है बेटा? 31 दिन का। माइनस कितने करेंगे बताओ? 14 तारीख को इंडिया में आई, मतलब कितने दिन नहीं थी? 13 दिन नहीं थी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो 31 माइनस 13 कितना हो गया? 18 दिन इंडिया में थी जनवरी महीने में। फिर फेब में 1 to 28, पूरे 28 दिन। और मार्च में 1 to 31, तो टोटल डेज देखो अब कितने हो गए, राइट? देखो 27 + 31 + 30 + 31 + 31 + 15 + 18 + 28 + 31, 242 days। इंडिया में कितने दिन थी वो? 242 days। तो बोलो प्रीवियस ईयर में कितने दिन से ज्यादा थी? 182 days और मोर। पहली बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली, तो शी बिकम रेजिडेंट। समझ गए आप? चल सेकंड क्वेश्चन, मिस शालिनी
लीव्स इंडिया, इंडिया से जा रही है, देखो ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में क्या थी, सानिया इंडिया में आ रही थी ना, अब जा रही, लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम को अंडरलाइन करो, ये पॉइंट इस क्वेश्चन की जान है, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब आज तक वो कहीं कभी बाहर गई नहीं, आज पहली बार वो बाहर जा रही, दूसरे कंट्री में पहली बार जा रही, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 20th ऑफ सितंबर टू पार्टिसिपेट इन फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ओके, शी डज नॉट कम बैक टू इंडिया टिल 31st मार्च, अब वो आई नहीं, गई कब से गई, देखो ये आपका प्रीवियस ईयर, कब गई हो, 28th सितंबर को गई, और कब तक गई हो, 31st मार्च तक, ओके, तो चलो दिन गिनते अपन, तो 182 डेज से ज्यादा होंगे क्या दिन, चलो देखो अब 28 को है, 28 को गई है ना, गई तो 28 इंडिया में मानेंगे है ना, तो कितने माइनस करेंगे 30 में से, सितंबर मंथ, बोलो फटाफट, एक ही कैलकुलेशन रखेंगे अपन, 30 माइनस 27, मतलब 3 दिन है ना, सॉरी गलत बोला मैंने, चलो तो इंडिया में कितने दिन थी वो निकालना है हमको, तो इंडिया में देखो ये तो जाने वाले दिन है, देखो अब गई है वो, तो 28 सितंबर से 31 मार्च तक वो इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया में कितने दिन है वो उल्टा निकालना पड़ेगा हमको, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलूं, अब उल्टा क्वेश्चन है, तो यहां इंडिया से गई है मतलब इंडिया में कितने दिन है, अप्रैल से लेके तो 28 सितंबर तक इंडिया में, तो चलो दिन निकालते, अप्रैल, अप्रैल के 30 दिन इंडिया में थी, मई के 31 दिन इंडिया में थी, जून 30, जुलाई 31, सितंबर, अगस्त रह गया, अगस्त 31 एंड सितंबर, जाने वाला दिन इंडिया में है मतलब कितने दिन, 28, चलो निकालो कितने होते, 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28 कितना हो गया, 181 डेज, ओ शीज, गलत, रुको 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 रुको, पहली बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन देखो दूसरी हो रही क्या, 60 डेज से मोर है, दूसरी कंडीशन में क्या लिखा था आपने, 60 डेज से ज्यादा है ना, 60 डेज से ज्यादा है इंडिया में, और पिछले 4 सालों में देखो इसका स्टे क्या 182 डेज से, क्या 365 डेज से ज्यादा है क्या स्टे, तो कैसे पता चलेगा सर, पिछले 4 साल का तो कुछ दिया ही नहीं है, दिया है, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट मार्क करो, देखो क्या बोला है, उसने बोला है शी लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार इंडिया से बाहर गई, मतलब आज तक वो इंडिया में ही पड़ी थी शालिनी इंडिया से बाहर कभी गई नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पिछले 4 सालों में वो पूरे के पूरे दिन इंडिया में थी, राइट, तो 365 डेज से इंडिया में जरूर ज्यादा होगी, तो करंट ईयर में 60 डेज से ज्यादा प्लस प्रीवियस 4 ईयर में भी 365 डेज से ज्यादा है, मतलब शालिनी क्या बन गई, रेसिडेंट बन गई, समझ में आपके, तो देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या था, पहले क्वेश्चन में वो इंडिया में आई थी तो जब से जब तक थी, जब आई वहां से कितने दिन तक थी वो हमने कैलकुलेट किया, यहां पे वो इंडिया से गई तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितने दिन, जाने से पहले कितने दिन वो इंडिया में थे, इज इट ओके, चल गुड, अब देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर फ्रेंडिस कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में आया, और अब आया वो देखो 10th ऑफ अक्टूबर को आया एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 185 डेज, सिंपल 185 डेज है, क्या वो रेसिडेंट बन जाएगा, ओ बे आयशा कैलकुलेशन नहीं करने का, गलत हो जाओगा, समझा, इतना आसान क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देगा आपको, कभी नहीं देगा, इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है देखो, आपको प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, मतलब आपको मार्च तक का देखना है, राइट, ये अप्रैल, अब देखो कब आया ये बंदा, 10th अक्टूबर, इज राइट,
और यहां से यहां तक वो इंडिया में था ऐसा बोला, तो आपको इतने दिन इंडिया में गिनना पड़ेगा। तो देखो अक्टूबर के कितने दिन इंडिया में था बताओ, कैसे कैलकुलेशन कर अपन, 31 माइनस 9 है ना, क्योंकि 10 तारीख को इंडिया में था, तो 31 माइनस 9 मतलब 22 डेज, नवंबर पूरे 30 दिन इंडिया में था, दिसंबर 31 दिन इंडिया में था, जनवरी 31, फेब 28 एंड मार्च हाउ मच बेटा 31। सो टोटल स्टे काउंट करो, 22 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 173 डेज। तो प्रीवियस ईयर में वो 173 डेज ही इंडिया में था। सर वहां 185 डेज दिया हुआ है, अरे वो उसके बाद भी रहा होगा ना, लेकिन हमें रेसिडेंशियल स्टेटस केवल प्रीवियस ईयर का देखना है। मतलब कब तक का देखना है बेटा, मार्च तक का। अरे आप समझ रहे हो, तो फिर इसलिए ये 173 डेज इंडिया में रहा, तो पहली बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन हाँ, सेकंड बेसिक कंडीशन में हमें क्या दिया था, 60 डेज है उससे ज्यादा, ये 60 डेज से ज्यादा है। तो प्रीवियस ईयर में क्या 4 साल इंडिया में रहा है क्या हो? देखो वहां पे क्या दिया, ही कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली पहली बार इंडिया में आया है। मतलब इससे पहले वो इंडिया में कभी था ही नहीं। अगर इससे पहले इंडिया में कभी था नहीं, मतलब पिछले 4 सालों में 365 दिन रहने का कोई सवाल नहीं उठता। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया नॉन रेसिडेंट। अरे समझे आप, यस कट, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या दिया, देखो 60 डेज इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। अब ये क्या है, देखो 60 डेज इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। अब कुछ केसेस, दो केसेस ऐसे हैं जहां सेकंड कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब आपको केवल पहली कंडीशन सेटिस्फाई करना है, फर्स्ट कंडीशन, राइट। क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला कि आप पहले बेसिक कंडीशन में बोला 182 डेज और मोर बोला है, बराबर, और दूसरे कंडीशन में बोला 60 डेज प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि 60 डेज वाली जो कंडीशन है वो 60 डेज को 182 डेज से रिप्लेस करो, बराबर। मतलब वो कैसे बन जाएगा, देखो उन्होंने क्या बोला, पहली कंडीशन अपनी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है 182 डेज और मोर, दूसरी कंडीशन है 60 डेज प्लस प्रीसीडिंग फोर ईयर्स में 365 डेज और मोर। अब वो बोलता है कि ये 60 डेज को आप रिप्लेस कर दो 182 डेज से, 182 डेज से रिप्लेस कर लो। तो मुझे बताओ, अरे अगर आप ये 60 डेज को 182 डेज से रिप्लेस करो तो फिर आप पहली कंडीशन में आ जाओगे ना, तो ये कंडीशन का आपको काम ही नहीं पड़ेगा। मतलब इसको देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अब ऐसे सिचुएशन में आप केवल पहली कंडीशन देखो, तो ये पिछले 4 सालों का, 4 सालों की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं हमको, बराबर। तो पिछले 4 सालों की सिचुएशन ये दो केस में आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 60 दिन वाली कंडीशन हम 182 डेज से क्या कर रहे हैं बेटा, रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब ये 60 की जगह अपने को 182 डेज। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, जरा देखो पहला, ओके दिख रहा है आपको, गुड। तो पहला क्या, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6(1) का एक्सप्लेनेशन है, इन द फॉलोइंग केसेस 60 डेज क्राइटेरिया इन द सेकंड बेसिक कंडीशन, जो सेकंड बेसिक कंडीशन में था 60 डेज का क्राइटेरिया, शॉल बी रिप्लेस्ड विथ 182 डेज, दैट इज ओनली द फर्स्ट बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल। इसी का मतलब क्या हो गया कि आपको अब कौन सी एप्लीकेबल है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन आपको एप्लीकेबल होगी ही नहीं। ओके तो देखो कौन से केस, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट। एन इंडियन सिटीजन, सबसे पहले आप इसको हाईलाइट कर दोगे, इंडियन सिटीजन है ना, एन इंडियन सिटीजन हु लीव
लीव्स इंडिया, जो इंडिया छोड़ रहा है, जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, राइट। तो देखो, इंडियन सिटीजन है, पहली बात तो इंडियन सिटीजन है, और जो इंडिया से जा रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब क्यों जा रहा है भाई इंडिया, इंडिया से क्यों जा रहा है? तो इंडिया से जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है? इंडियन सिटीजन है, जैसे मैं आशीष, आई एम इंडियन सिटीजन, अब मैं इंडिया से जा रहा हूं, लेकिन क्यों जा रहा हूं? देखो, पहला काम है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो जैसे देखो, आप सीएसीएस बन गए, अब सीएसीएस बनने के बाद मान के चलो आपको कहीं जॉब लग गई, कहां जॉब लग गई? दुबई, दुबई में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी की बहुत डिमांड है, तो वहां पे आपको जॉब लग गई, तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो इंडिया से, आप इंडियन सिटीजन हो, अब तक इंडिया में थे, अब एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो फिर आपको ये 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको 182 डेज वाली, राइट। तो देखो वहां पर फट से लिख लो आप, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर आप आपका बिजनेस शुरू करने भी गए तो भी हम इस कंडीशन में आ जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, ओके। तो चलो यहां पे मैं आपको और एक पॉइंट बता दूं, अगर ये शिप फॉरेन शिप होती, अगर यहां पे एक फॉरेन शिप दिया होता, अगर एग्जाम में फॉरेन शिप आ गया आपको, तो भी ये 60 डेज को रिप्लेस करेंगे 182 डेज। सॉरी, यहां लिखा हुआ है यार इंडियन शिप, आप बोल रहे हो फॉरेन शिप होगा तो भी करेंगे, अरे नलायक लोग, ऊपर वाले केस में देखो क्या लिखा है, आप क्रू हो, क्रू मतलब क्या बेटा, क्रू समझते आपको, क्रू मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय हो, क्रू मतलब क्रू मेंबर, एयर होस्टेस, राइट, इज अ क्रू मेंबर, राइट। तो आप फॉरेन शिप में क्रू मेंबर हो, मतलब आप एम्प्लॉय हो, तो देखो आप फॉरेन शिप के एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, मतलब आप सेकंड में तो नहीं फंस रहे हो क्योंकि ये सेकंड में इंडियन शिप है, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो ना, तो पहले वाले पॉइंट में फंस जाओगे, आप समझे? तो एम्प्लॉयमेंट फॉर फॉरेन शिप ये पहले वाले केस में आ जाएगा, और सेकंड केस में इंडियन शिप तो दिया ही हुआ है, तो क्रू मेंबर होना चाहिए। हाँ, अगर आप पैसेंजर बन के जा रहे हो इंडियन शिप में, तो फिर ये 182 डेज रिप्लेस नहीं होगा, मतलब वो 60 डेज की कंडीशन अभी भी आपको अप्लीकेबल रहेगी। टूरिस्ट बन के जा रहे हो तो भी नहीं रहेगा, ओनली फॉर क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर्स, राइट। तो चलो, पहला आपको समझ गया शायद, देखो पहला एक्सप्लेनेशन क्या है सेक्शन 6(1) का, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बेटा ध्यान से सुनो, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप इंडिया छोड़ रहे हो, इंडिया से जा रहे हो, यू लीव इंडिया। पहला काम किसका पर्पज के लिए, या तो एम्प्लॉयमेंट, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या फिर दूसरा आप किसके लिए छोड़ रहे हो बेटा, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप के आप क्रू मेंबर हो इसलिए आप बाहर जा रहे हो। तो ये दो अगर केसेस है तो फिर हम 60 डेज को रिप्लेस करेंगे 182 डेज से, मतलब अब आपको 182 डेज वाली कंडीशन देखना है, 60 डेज वाली कंडीशन आपको नहीं देखना है, ओके। चल देखो, और दूसरा केस क्या है, देखो एन इंडियन सिटीजन, मतलब वो तो वही है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो सिटीजन या PIO, ऊपर वाले केस में सिर्फ सिटीजन था, यहां PIO क्या है दो मिनट बाद देखते हो। हु कम्स, पहले था लीव्स, यहां है कम्स, तो इंडिया में आ रहे, अब जूम, पहले केस में क्या था जू, अब जूम, तो इंडिया में आ रहे हैं ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जैसे देखो, अब बहुत सारे लोग फॉरेन में जॉब करते, आपके भी कोई रिलेटिव होंगे जो फॉरेन में जॉब करते, अब कई बार वो मिलने इंडिया में आते हैं ना, बूढ़ी माँ रहती है घर में, या दादा दादी को मिलने आते, या किसी की गर्लफ्रेंड रहती है तो मिलने आते है ना, हाँ, बहुत सारे रीजन होते हैं, बहन भाई को मिलने आएंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिलने आएगा, बच्चा माँ बाप को मिलने आएगा, पोता दादा दादी को मिलने आएगा, एंड सो ऑन।
तो आप इंडिया में आ रहे हो, कौन आ रहा है बेटा? या तो सिटीजन, या फिर इंडियन सिटीजन, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इंडिया में आ रहे, कम्स टू इंडिया, कम्स टू इंडिया, तो भी हम 60 डेज को 182 डेज से रिप्लेस करेंगे। मतलब हम सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगाएंगे। ओके तो देखो, अब पहले समझते हैं व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना। तो देखो, एन इंडिविजुअल इज डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन, इसको इंडियन ओरिजिन कब माना जाएगा? इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो या तो वो खुद, या उसके पेरेंट, या उसके ग्रैंड पेरेंट, है ना, मतलब मैं या मेरे पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स होते? दो। और ग्रैंड पेरेंट्स कितने होते? ग्रैंड पेरेंट्स नलायक, दो नहीं, चार। दादा दादी, नाना नानी, चार के बिना काम कैसे जमेगा? राइट। तो देखो, तो ईदर ऑफ मतलब वो खुद, या फिर उसके पेरेंट, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ध्यान से सुनना, कहां बॉर्न होना चाहिए बेटा? अनडिवाइडेड इंडिया, 1947 के पहले का इंडिया, अनडिवाइडेड। तो देखो कैसे मैं समझाता हूं, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, पहले बता दे रहा हूं, हंसना मत। ओके दिस इज स्लिम एंड ट्रिम इंडिया। ओके हंसना मत, हंसो मत, मैंने पहले ही बोला मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, हंसो मत आप, हंसना मत। चलो देखो क्या बोलना चाह रहा। ओके देखो, तो पाकिस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब यहां का पोर्शन पाकिस्तान, है ना, यहां पाकिस्तान, और बांग्लादेश, दिस इज अनडिवाइडेड इंडिया। तो डिवाइड होने से पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों में भी देखो, ये तीनों के अलावा कोई नहीं आ, मतलब नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सब नहीं लेना एग्जाम में, कुछ भी है आपको सिर्फ ये तीन देंगे। अनडिवाइडेड इंडिया में ये तीन कंट्रीज के अलावा कोई भी कंट्री हो आपको नहीं देखना, आप खुद, आपके पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, अगर ये अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो ही हम वो पर्सन को इंडियन ओरिजिन का पर्सन मानेंगे, और उसको अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन मानेंगे तो 60 डेज की कंडीशन 182 डेज से रिप्लेस करेंगे। समझ में आया आपके? तो चलो दो कंडीशन में एक बार रिपीट करता हूं आपके लिए। पहला क्या है, देखो 60 डेज कब रिप्लेस करना है आपको 182 डेज से, अगर वो इंडिया से जा रहा है और वो इंडियन सिटीजन है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फैंटास्टिक। और दूसरा एज अ क्रू मेंबर, क्रू मेंबर मतलब मैंने बताया आपको लाइक एयर होस्टेस और एम्प्लॉय है अपन, किसके? इंडियन शिप के, वहां पर काम करते हैं उसके ऊपर, क्रू मेंबर। और दूसरी कंडीशन देखा, वो इंडियन सिटीजन, यहां पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी चलेगा, ध्यान रखना बेटा एग्जाम में क्वेश्चन में गलती करोगे आप, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सिर्फ तब आएगा जब ही कम्स टू इंडिया, ही लिव्स इंडिया के केस में सिर्फ इंडियन सिटीजन। ओके और वो इंडिया में आ रहा है, कम्स टू इंडिया, तो पीआईओ भी देखेंगे, और पीआईओ के साथ साथ क्या देखेंगे अपन? इंडियन सिटीजन भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक, और लिखा है वहां पे, देखना आप, और लिखा है। ओके दोनों में से कोई भी एक चलेगा, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। ओके चलो, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज नॉट कंपल्सरी, रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, तो अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में भी रहे तो भी चलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टे एट हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस और बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं भी रह सकते, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस मुंबई में है तो मुंबई में रहना चाहिए, नागपुर में है तो नागपुर में, आप कहीं पे भी रहो। ओके वाइल कंटिन्यूइंग द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, द डे ऑफ अराइवल एज वेल एज डिपार्चर आर इंक्लूडेड फॉर स्टे इन इंडिया, ये बता दिया आपको, तो डिपार्चर और अराइवल का डे आपको इंडिया में ही कंसिडर करना है। ओके वेर द इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पार्ट ऑफ अ डे, देन द
टोटल नंबर ऑफ आवर्स विच ही स्टेड इन इंडिया शैल बी कैलकुलेटेड एंड 24 आवर्स शैल बी कंसिडर इक्वेलेंट टू वन डे। तो अगर घंटे में हिसाब करने की बात आई कितने घंटे वो इंडिया में था, तो फिर 24 घंटे का एक दिन माना जाएगा। ऐसे अपन कैलकुलेट करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड द रेसिडेंस हैज नो रिलेशनशिप विद सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल, हेंस द पर्सन कैन बी रेसिडेंट इवन इफ ही इज नॉट अ रेसिडेंट और इवन इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हो सकता है वो इंडियन सिटीजन नहीं है बट वो रेसिडेंट है, ऐसा भी हो सकता। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो तो कुछ क्वेश्चन कर दें तो आपके समझ में आ जाएगा। ओके, देखो क्या बोलता है, डिसाइड वेदर 60 इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 182। क्या 60 को 182 से रिप्लेस करेंगे, देखें। मारुति अ सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया फॉर जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियन सिटीजन है, लीव्स इंडिया, सिटीजन चाहिए लीव्स है, और जॉब इन ऑस्ट्रेलिया मतलब एम्प्लॉयमेंट, यस शुड बी रिप्लेस्ड। ओके, सेकेंड, नेहा सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स, अगेन लीव्स, टू स्टार्ट यू फॉर यूके टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का केस है, यहां भी यस, समझ रहे। नीरज त्रिवेदी एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया अगेन इन एन इंडियन शिप, शिप है वो, करेक्ट कर लो आप, शिप एज अ पैसेंजर, पैसेंजर करके जा रहा है, बताओ क्या रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, नहीं यहां रिप्लेस नहीं होगा, नो, व्हाई, बिकॉज हम क्रू मेंबर के लिए करते हैं, पैसेंजर्स के लिए नहीं, यहां पैसेंजर करके जा रहा है। ओके, फिर देखो, विद द इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, अगेन लीव वाला है, लीव लीव लीव्स लीव्स, ओके, तो आपको सब में सिटीजन देखना है, एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ सी क्वीन अ फॉरेन शिप, तो देखो यहां फॉरेन शिप है, हमने देखा था क्रू मेंबर किसका चाहिए, इंडियन शिप का, तो वो सेकेंड पार्ट में तो नहीं आया, मतलब ये पार्ट में तो नहीं आया, बी में नहीं आया, लेकिन देखो अब वो फॉरेन शिप सी क्वीन में जा रही है तो फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही तो जा रही होगी, तो ये वाले एक कंडीशन में फंस गए, आप समझ रहे हो, तो यहां पे भी हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे। सलमान अ इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ INS विराट, ये लीव्स इंडिया, इंडियन शिप, ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट, मिस्टर राम यादव अ सिटीजन ऑफ यूके, यूके का सिटीजन है, देखो हा? बॉर्न इन इंडिया इन 1975 बॉर्न, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, मतलब ये PIO या सिटीजन वाला केस है, तो ये बॉर्न यूके में हुआ है, नहीं बॉर्न इंडिया में है, सॉरी बॉर्न इंडिया में है और सिटीजन ऑफ यूके, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, ऑल हिज ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन यूके, तो बताओ आप रिप्लेस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये देखो ये भी खुद बाद में हुआ और इसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न नहीं हुए, कहां पे बॉर्न हुए, यूके में, तो यहां पे भी रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। ओके, दूसरे एम एफ हुसैन अ सिटीजन ऑफ कतर वॉज बॉर्न इन इंडिया इन 1940, ये PIO है, कम्स टू विजिट टू इंडिया, यहां रिप्लेस करेंगे, यस, तो यहां कम्स है और इंडियन विजिट के लिए, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको रिप्लेस करेंगे। ओके, तो दो चीजें हम लोगों ने देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 60 डेज को कब रिप्लेस करना है, अगर वो जा रहा है तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और दूसरा हम लोगों ने देखा, बोलो फटाफट, ही कम्स टू इंडिया, इधर ही माइट बी अ PIO और दूसरा केस क्या देखा बताओ, इंडियन सिटीजन, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम 60 डेज को रिप्लेस करेंगे 182 डेज से। ओके, चलो यहां हम लेते एक ब्रेक और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।